Hi guys, welcome back to the channel That Wandering Couple. This is Chaitanya with Arani in yet another episode of our Ladakh series. लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम लोग हुंदरमन गए थे और वहाँ हमने LOC व्यू पॉइंट देखा और इंडो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का बॉर्डर देखा. सो अभी हम लोग जा रहे हैं ले के तरफ एंड प्लान ये है कि हम लोग NH1 लेके ले जाएंगे. देखते हैं हमारी जर्नी कैसे रहती है. आप भी हमारे साथ चलिए ले. कारगिल छोड़ के कारगिल को बाय बाय बोल के जा रहे हैं लेह की तरफ और एज यूजुअल गूगल हमें एकदम अंदर के रास्ते से लेके आए. सो नाउ वी आर यूजिंग एप्पल मैप्स. देखते हैं अच्छा रास्ता से लेके जाते हैं कि नहीं. तो कारगिल में तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. हम काफ़ी ऊपर गए थे वो LOC पॉइंट देखने, LOC व्यू पॉइंट देखने. और देखते हैं आज के दिन कैसे रहते हैं. ये ले तक पहुंचने में कुछ तीन पॉइंट्स आते हैं, तीन चार पॉइंट्स. एक मोनेस्ट्री आते हैं, मूनलैंड आता है, मूनलैंड जिसको लामायुरु बोलते हैं. और एक मैग्नेटिक हिल पॉइंट आती है जहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल में भी चलती है. कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आता है. सो सारे हम एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे और आपको बताते रहेंगे, आपको भी वर्चुअल टूर कराते रहेंगे. सो वी आर बैक विथ अनदर एडवेंचर. फिर से हमारे साथ कांड हो गया है. सो आज के डेट में जो मेन श्रीनगर ले हाईवे है, आप बहुत जर्क हो रहा है गाड़ी में. तो आज के डेट में जो मेन श्रीनगर ले हाईवे है उसमें कर्फ्यू लगी है. सो वी आर गोइंग थ्रू ले बटालिक हाईवे. तो सारी गाड़ियों को आज इस रास्ते से डाइवर्ट किया जा रहा है. और ये रास्ता बहुत ही ज्यादा मतलब बन रहा है, एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है. बट इस रास्ते में कोई नहीं है. ये रास्ते पे कुछ भी नहीं है, ये अलग ही लेवल का एडवेंचर हो गया. ऑफ रोडिंग है कम्प्लीट. हम लोग यही सोच रहे हैं कि ये कैसे रहेगा. ये जो रोड है यहाँ पे ना तो कोई पेट्रोल पंप है ना कोई ऐसे पब्लिक कन्वीनियंस जैसे जगह है. आज हमें जिस रास्ते से डाइवर्ट किया गया था वो कारगिल से ले जाने का रास्ता है वाया बटालिक. बटालिक जैसा हम सब लोग जानते हैं एक बॉर्डर एरिया है और इंडो पाक बॉर्डर के एकदम नज़दीक होने की वजह से काफ़ी सेंसिटिव एरिया है. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज गूगल मैप में ये रास्ता नहीं दिखाते. किसी भी मैप में ये रास्ता अवेलेबल नहीं है. और सो वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग. तो बेसिकली लोकल से पूछ के जा रहे हैं. और पता नहीं, अच्छा लंच वंच कुछ नहीं होगा इस रास्ते में. लंच का थोड़ा इशू रहेगा, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है. लंच वॉशरूम कुछ भी नहीं होगा. ये ले ही जाता है ना, ले जाता है ना. हाँ, ले इधर से लेफ्ट हो जाइएगा. हाँ, ले निकल जाइएगा सीधा. और रास्ता ऐसे ही है क्या कि हाँ, बस इसी तरह. इसी तरह है, आगे सही है थोड़ा. आगे सही है. हाँ सर, ठीक है, थैंक यू. तो गाइस शायद आज लामायुरु जानकर ये सब नहीं हो पाएगा. शायद हो जाएगा, देखते हैं अभी क्या हो जाएगा. क्योंकि ये रास्ता शायद वो जो मेन श्रीनगर ले हाईवे है ना वो कनेक्ट करते हुए जाता है, बट ये रास्ता कनेक्ट नहीं करता. तो देखेंगे क्या रहता है. कारगिल से थोड़ा सा आगे निकलते ही रास्ते का कंडीशन अच्छा नहीं है, काफी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. तो ये है कुरकुरे के पैकेट जो एकदम फुल चुकी है. एंड वील हैव दिस फॉर अ लंच टुडे बिकॉज इस रास्ते में तो लगता नहीं है कुछ मिलेगा. सो थोड़ा सा अच्छे स्ट्रेचेस पर रास्ता नैरो हो चुका है. हाँ? ये नहीं जाता क्या? कहीं और जा रहा है दया. ये ले जाती है क्या ये रास्ता? सीधा लेफ्ट. आगे जाने के बाद पता चला कि रास्ता तो आगे कहीं जाता ही नहीं था, तो हमने मारा यू टर्न और फिर हम लोग उसी डायरेक्शन में निकल गए जिसमें वो टेम्पो ट्रैवलर गया था.
जब हम कारगिल से लेह की तरफ वाया बटालिक वाले रास्ते से जाते हैं तो कुछ रास्ते गूगल मैप्स पे भी दिए नहीं हुए हैं, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोकल्स और टैक्सी ड्राइवर से पूछ पूछ के ही जाया जाए, पे मिलना पड़ा। इस रास्ते से जाते हुए काफ़ी ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस भी करने के लिए मिलता है। रास्ते बहुत जगह पे कच्चे हैं या आपको मिट्टी में से होके गुजरना पड़ता है, सो धूल भी काफ़ी रहती है। तो अभी हमने गाड़ी में हवा भरी, एक चक्के में थोड़ा सा कम लग रहा था अपने टायर इन्फ्लेटर्स से। सो, अभी के लिए तो काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जहाँ से हमने अभी मैगी खाएंगे और मैगी खा के फिर आगे जाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ मिलने का ऑप्शन नहीं है। ऐसे रास्ते सिंगल लेन, जैसे आपने देखा कि हमने सारे चक्के में हवा भी भर लिया टायर इन्फ्लेटर से, सो दैट यू नो लाइक दिक्कत ना हो। तो अभी जाएंगे, दिस इज लाइक अ सिंगल लेन टिल खालसी। सो खालसी में शायद सिंगल ही है, हाँ, उसके बाद शायद हाईवे में मिलता है खालसी के बाद, ऐसे बोला। तो हम जाएंगे और देखेंगे। और अभी फाइनली मैप में भी हमें ये रास्ता दिख रहा है, बीच में दिख नहीं रहा था, सो वी वर अ बिट टेंस्ड कि कौन सा रास्ता ले रहे हैं क्या है। रास्ते से हम आए थे, बहुत ही चराई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें रियलाइज हो रहा है कि ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे हेयर पिन बेंड्स ऐसे है कि सडनली आपको बहुत ऊपर हाइट में चढ़ाया जाता है एंड उसके ऊपर ऐसे प्लेन लैंड जैसे है। सो क्वाइट एन एक्सपीरियंस, देखते हैं आगे जाके रास्ते कैसे मिलते हैं। चारों तरफ ऐसे लूज पत्थर वाली पहाड़ और सामने एक पॉइंट में टर्न करने के बाद स्नो कैप माउंटेन्स दिखते हैं, बट अभी सिचुएशन नहीं है व्यू एंजॉय करने का। बहुत चढ़ाई है। दिस इज हाउ द रोड इज। रास्ते कुछ कुछ सेक्शन में बहुत खराब है, जैसे ये वाला सेक्शन। कारगिल से ले जाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक वाया बटालिक और एक वाया लमायुरु। लमायुरु वाला जो रास्ता है वो NH1 है और वो टू लेन हाईवे है, काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है। जो सेकंड वाला है उससे हम लोग जा रहे हैं और इसकी हालत तो हम लोग देख ही सकते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी रफ़ टेरेन है, क्वाइट डिफ़िकल्ट हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। और ये जाएगा अभी हम्बोटिंग ला पास, बटालिक और फिर आर्यन वैली होते हुए NH1 को खलसे में मीट करेगा। सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते की कंडीशन सुधर ही नहीं रही है, कच्चा रास्ता है टोटली और काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। एवरेज स्पीड हार्डली 10 से 15 किलोमीटर पर आर या पा रही है, काफ़ी टाइम लगेगा ऐसे लगता है जर्नी में आगे। सो अभी इधर ही ऐसे चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट
which is 4024 meters, and this is higher than Jozila. This is Hamboting La Pass, the Leh Road via Batalik, us pe hai. Aur ye by chance hua, we had no plans, and yahan pe roads bhi bahut adventurous hai. So idhar thoda sa photo shoot lenge. That is the pass, and fir hum nikal padenge. Bahut thand hai aur raste ke condition bhi bahut acha nahi hai. View bahut acha hai, piche ka dekh sakte ho. Or that is Hamboting La. We are at Hamboting La, 4024 meters. This is the view from the Hamboting La Pass, and बहुत ही amazing है. Just by luck हम इधर पहुँच गए. अब जाएंगे आगे लेह की तरफ. That is the pass. हम्बोटिंगला पास के बारे में आप लोगों को एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ BRO की ही हेल्प अवेलेबल है और कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे. सो ये एक ऐसा पास है जहाँ से बहुत कम लोग जाते हैं. सो अगर आप यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि यहाँ पर असिस्टेंस आपको बहुत लिमिटेड मिलने वाला है, नेटवर्क तो अवेलेबल है ही नहीं. छोटा सा विलेज है, एकदम ग्रीन है, और यहाँ पे कुछ तो फार्मिंग करते हैं लोकल लोग, हमें फार्मिंग करते हुए दिख रहे हैं. और बहुत ही सुंदर गांव है, कैसे बनाया है ना, एकदम पहाड़ियों के बीचों बीच, और अचानक से इतना एकदम ड्राई पैच के बाद ये विलेज इज वेरी सूदिंग प्लेस. और यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही है, और जो पहाड़ है वो पूरे पूरे पत्थरों के हैं. हाँ, जो ड्राई पहाड़ एकदम. हाँ, जो सामने वाला पहाड़ आपको भी दिख रहा होगा पूरा ड्राई है, विद नो साइन ऑफ एनी वेजिटेशन. फिर से सिंगल लेन रोड, और बैटालिक यहाँ से कुछ 25 नहीं, कुछ 18-19 किलोमीटर है. कितना स्टीप डिसेंट है, तो सामने आप देख सकते हैं इधर कितना स्टीप डिसेंट है. लोग क्या ट्रेक कर रहे हैं क्या इधर, ट्रेक करते हुए कहीं तो जा रहे हैं. सामने भी बहुत ग्रीनरी है, ये जो विलेज है ना ये बहुत ग्रीन विलेज है. नॉर्मली हम इस रूट में तो नहीं आते, दिस रूट इज सो ब्यूटीफुल. ईच टर्न में व्यू चेंज हो रहा है और इट्स वेरी थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस. बट क्या व्यू है गाइस, लुक एट द सीनरी. कहाँ ये कहाँ आ गए हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आ गए. अलग ही दिख रहा है ना, प्लानिंग ही नहीं थी, बट दिस इज सो ब्यूटीफुल. मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कितना सुंदर है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल है. दूर दूर तक अगर देखे ना तो पहाड़ी पहाड़ है, और यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, थोड़ा बहुत हरे हरे मतलब हरियाली दिखती है कुछ कुछ एरियाज में, बट अगर दूर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है वहाँ, तो एकदम ड्राई है, बिल्कुल ड्राई. और आसमान इतना सुंदर है, और स्काई तो अलग ही लग रहा है. स्काई दिखाता हूँ मैं आपको भी. ये है यहाँ का व्यू, कुछ थोड़े थोड़े बादल है, और स्काई अगर देखेंगे तो क्या नज़ारा है, एकदम ब्लू स्काई, क्लियर बिल्कुल, कुछ भी मतलब पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है. और हम लोग तो बस मतलब ऐसे लग रहा है जैसे क्या कहाँ पे आ गए हैं ये सच में. मतलब दिस इज लाइक अ प्लेस वेयर आई मीन दिस इज जस्ट बाय चांस एंड लक कि हम लोग यहाँ आए हैं. और ये तुमको कैसे लग रहा है?
आई हैव नो वर्ड्स, दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है ये, ये ऑलमोस्ट देख लिया ना हमने लादाख में, तो ऑफ बीट ले लद्दाख हो गया हमारे लिए। हम तो अभी बटालिक भी नहीं पहुंचे, मतलब अभी हम लोग बॉर्डर के आसपास जा रहे हैं और जैसे जैसे बटालिक आएगा ये कंप्लीट बॉर्डर एरिया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। तो अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं लेह तक की। ये तो बहुत यू नो चेंज ही हो गया है पूरा हमारा प्लान, सुंदर लग रहा है दूर के पहाड़, बहुत सुंदर लग रहा है, कलर ही चेंज हो गया पहाड़ों के, बहुत बढ़िया। So guys, now this is the view. The entire view has changed now. अभी बस खरे खरे पहाड़ है और सिर्फ पत्थरों के पहाड़, पत्थरों के पहाड़ है और थोड़ा सा डर ही लगता है क्योंकि बस पत्थर पत्थर है और कुछ है नहीं। फॉर ऑल ऑफ यू वुड नॉट नो, यहीं पे बटालिक सेक्टर में ही कारगिल वॉर हुआ था एंड दिस इज ऑफ अ वेरी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ये जो रोड दिख रहा है इस रोड से हम जाएंगे, बहुत ही स्टीप डिसेंट है इधर। पत्थर भी काफी डेंजरस लगता है क्योंकि ऐसे लगता है कि पत्थर बस टिके हुए हैं और हम टर्न करेंगे नीचे, बहुत ही स्टीप डिसेंट है, मजा आ रहा है मुझे तो सीरियसली। अभी मजा आ रहा है, अभी अपन नीचे आ रहे हैं ना, नीचे आ गए। सो वी हैव रीच्ड बतालिक फाइनली और यहाँ पे छोटा सा ऐसे मोनास्ट्री टाइप है, एक कैफे बना हुआ है और आर्मी के बेस कैंप भी ऐसे लग रहा है और यहाँ पे काफी सारे बाइकर्स रुके हुए हैं। किधर से आना है? इधर 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 से आना है? इधर से जाना ले 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 यही है ना। थैंक यू। 75 किलोमीटर के बाद आपको हाईवे पे पहुंचेगा। 75 जी। अच्छा और ऐसे रास्ते हैं? हां ऐसे ही रास्ते, इससे थोड़ा कहीं थोड़ा खराब है, बाकी ठीक है। अच्छा जी जी, थोड़ा सा आहिस्ता चलेगा। थैंक यू। सेम जाने कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। रोड है, दिस इज इंदस वैली रोड, दिस इज इंदस रिवर जो सामने दिख रही है, जो फ्लो कर रही है। दिस इज इंदस रिवर गाइस। क्या खड़ी चट्टाने, ये जो पहाड़ है, दिस इज अ डिफरेंट साइड ऑफ लद्दाख वी आर सीइंग। ये यूजुअली आई थिंक देखने के लिए नहीं मिलता, हमारा भी प्लान में नहीं था। This is just luck by chance जो ये हो रहा है और हम कवर कर रहे हैं। This is extreme border areas और this is Indus road and Indus valley road and this is Indus river flowing alongside us. सामने एक बहुत छोटा सा ब्रिज बतालिक के बाद, जहाँ पे बस और ट्रक्स पूरा फंस गए थे, तो ऑपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, तो अभी हम लोग थोड़ा रुके हैं सो दैट वो ट्रैफिक पास हो जाए, काफ़ी लंबा जाम है। सो यही है वो नैरो ब्रिज जहाँ से एक एक करके गाड़ियाँ पास हो रही थी। अभी लग रहा है हम ऐसे सीमेंट के रॉक्स के बीच में से जा रहे हैं। ये जो बटालिक वाला रास्ता है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे रेस्टोरेंट्स, वॉशरूम्स, पेट्रोल पंप्स। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पहले से प्लानिंग करके आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ ढूंढने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है मिलना, प्लस टेलीफोन नेटवर्क तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता है। अभी रास्ते में ट्रक फंसी है, सो सारी गाड़ियाँ ऐसे पीछे जाके ट्रक को जगह कर रहे हैं सो दैट ट्रैफिक थोड़ा सा खुल जाए। सो ऐसे ट्रक को हम जगह दे रहे हैं सो दैट ट्रक निकल जाए और ये ट्रैफिक भी थोड़ा सा खुल जाए। लेट्स सी, बहुत ही कट टू कट जगह है, ये रास्ते इतने नैरो है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम बड़े आसानी से लग जाता है, काफ़ी वेट करना पड़ता है ट्रैफिक क्लियर होने के लिए। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा रुकने के बाद फाइनली हमें कुछ खाली रास्ता मिले,
देखते हैं कितने दूर तक रहते हैं ये खाली रास्ते। बटालिक से आर्यन वैली के तरफ जो रास्ता जाता है वो बहुत ही सीनिक है और थ्रू एंड थ्रू इंडस रिवर के साइड से ही गुजरता है। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस पूरे व्यू को, एकदम अमेजिंग व्यू है। पूरा है वाटर क्रॉसिंग वाला एरिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है बट बारिश के टाइम पे काफ़ी अच्छा, मतलब जब आइस मेल्ट होती है ना तब काफ़ी अच्छा खासा पानी रहता होगा। As per the signboards, the area we are crossing is landslide prone area. So, काफी dangerous होगा। अभी हम पहुंच रहे हैं आर्यन वैली। यहाँ पे चार मेजर विलेजेस है, दा, बीमा, गोरकुन और हानू। यहाँ पे ले से काफ़ी पैकेजेस चलते हैं जो आर्यन वैली बटालिक कवर करते हुए कारगिल में ड्रॉप करते हैं। वी आर पासिंग थ्रू आर्यन वैली, बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। एक साइड में ऐसे वेजिटेशन है और दूसरे साइड में ऐसे नदी बहती है, बहुत ही सीनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है आर्यन वैली। आर्यन वैली बढ़िया है। यहाँ पे मैंने कुछ होम स्टेज भी देखा है साइड में था। दिस इज हाउ द रूट लुक्स लाइक, द रोड लुक्स लाइक। अभी भी हम वो अंदर की रास्ते से जा रहे हैं। 34 किलोमीटर से स्टील NH1 को पकड़ने में अभी भी रास्ता काफ़ी मियंडरिंग है, खराब है, बीच बीच में नैरो रोड्स हैं। सो डॉच करते हुए जा रहे हैं, पैचेस में खराब है बिकॉज यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं और नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। और जा रहे हैं और देखते हैं, सपोजिटली 9 बजे तक ले पहुंच जाना चाहिए। देखते हैं, बीच बीच में ऐसे गांव आते हैं, लोग दिखते हैं तो ऐसे नहीं एकदम खाली है, बट दिस इज नॉट द पॉपुलर और दिस इज नॉट द कॉमन रूट। सो दिस इज हाउ द रूट लुक्स लाइक राइट नाउ। बहुत तेज हवा चल रही है और ये सीमेंटेड लग रहा है, देखो ऐसे लग रहा है सीमेंटेड पत्थर है, खड़ी चट्टाने हैं एकदम, खड़ी चट्टाने हैं। ये मेरे को तो लगता है यहाँ पे स्नो रहता होगा, स्नो ही रहता होगा नहीं तो ऐसे कैसे, अलग ही मतलब अलग ही वीराने में उधर दूर जा रहे हैं लोग। हाँ बहुत दूर ना, सामने हमें एक टेम्पो ट्रैवलर दिख रहा है विच इज काइंड ऑफ रीअश्योरेंस कि वी आर स्टिल ऑन द राइट रूट। एक्चुअली काफी नैरो रूट्स हैं पर हमें एक गांव दिख रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इधर कुछ खाने पीने का भी है, एक छोटू सा ब्रिज है जहाँ से ये इंडस रिवर क्रॉस करती है। अजीब सा फॉर्मेशन दिख रही है, ऐसे लेयर्स में पहाड़ है। ऐसे लेयर बना हुआ है। ये लग रहा है कोई काट करके बनाया है, ऐसे काट काट के। सीरियसली क्या पहाड़ बना है? सीरियसली बना तो है खुद से बट अलग ही है, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो अभी हमने ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए ब्रेक लिया है, नज़ारा कुछ ऐसा है,
बहुत ही अलग सा। ये जो पहाड़ है, पहाड़ का लुक्स पूरा चेंज हो गया है। और पकड़ लेना उसको, गिर जाएगा। और जो रास्ते है, रास्ते थोड़ा सा खराब है, नैरो है एकदम, लाइक एक ही गाड़ी जाती है इसमें से तो, और गांव के बीच में से जाते हैं। यहाँ आते ही नज़ारा एकदम चेंज हो गया है। हमें सामने अलग अलग टाइप के पहाड़ दिख रहे हैं और ऊपर सनसेट का एक बहुत ही अमेजिंग नज़ारा दिख रहा है, जहाँ पे पूरा माउंटेन जो है उसका टॉप गोल्डन टाइप का दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पे हमें ना सेम पहाड़ में डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, और रास्ते तो क्या है भाई साहब, अलग ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, अलग ही व्यू है। मतलब तुम सब तरफ देख लो, पहाड़ अलग अलग टाइप के हैं और मैं ही हूँ रास्ते पे लग रहा है। वाह रे, ये क्या लग रहा है पहाड़। सामने के जो पहाड़ दिख रहे हैं, दीज आर आल्सो समथिंग वेरी डिफरेंट। ये ऐसे मल्टी कलर्ड लग रहा है। इधर के पहाड़ कुछ अजीब ही है, ऐसे लगता है लूज, ऐसे शार्प टाइप के पत्थर है और सब लूज है। मतलब यहाँ पे गिरता रहता है, रास्ते में भी है, और इधर काफी सारे ये भी है ना, बुलडोजर भी है। काम चल रहा है रास्ते का। काम चल रहा है, ये हटाते रहते होंगे जैसे जैसे ये गिरता होगा ना, वैसे वैसे हटाते, ऐसे रास्ते है सब गिरा हुआ। और लगता है ऐसे बीआरओ वाले लोग ऐसे साइड में कर दिए हैं, और इधर लैंडस्लाइड होता होगा। इधर कुछ अलग ही टाइप के पहाड़ दिख रहे हैं, जो लग रहा है एकदम स्टोन से बना हुआ है, बड़े बड़े, और स्टोन्स कट किया है ऐसे लग रहा है। ये है पुलिस चेक पोस्ट, ये शायद NH1 टच कर रहे हो। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं खलसी। यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, जहाँ पे हमें अपने गाड़ी की और पैसेंजर्स के बारे में एंट्री करानी पड़ती है। गाड़ी का नंबर, मेक, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, मेल फीमेल, ये सब जानकारी यहाँ पे देनी पड़ती है पुलिस चेक पोस्ट पे। एंट्री करना है क्या? आगे लगाते हैं। टाइम हो गया है 7:30 और फाइनली वी हैव टच्ड NH1। बहुत ही स्मूथ रास्ते है, एंड वी आर सपोज टू कम बाय दिस रोड, ये रास्ता होना चाहिए था, बट बहुत ही एडवेंचर करके आए हैं, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी मेमोरेबल थिंग फॉर अस आल्सो। दिस इज द सिचुएशन एट, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बहुत ही खराब हालत है, गांव के बीच में से जा रहे हैं। These are the way, and this road is like beautiful. This road seems beautiful now, and इधर भी same similar है terrain, और जो पहाड़ है, जो mountains दिखते हैं, side में से Indus River है, और similar ही दिखता है, just that the road is very good, and यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है खाने पीने का, बहुत सारे गांव आती है पेट्रोल पंप से, सो ऐसे वीराने में गए जैसे लगता नहीं है, और साइड से आप देख सकते हो कि रिवर बह रही है। सो ओवरऑल दिस रोड इज वेरी ब्यूटीफुल, सो इफ यू आर टेकिंग दिस रोड यू विल एंजॉय दिस ड्राइव। और हम भी अगर इस रोड लेते, हो सकता है हम 6 बजे तक मैक्सिमम तो पहुंच ही जाते, शाम तक पहुंच जाते। फिर हमारा प्लान था कि हम थोड़ा सा ले मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, कुछ पैलेसेस देखेंगे, क्योंकि हमारा जो होटल है वो ले पैलेस से बहुत पास है, बट अभी फिर से हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे करेंगे। वी आर गोइंग टू ले ऑन अ फुल मून नाइट, सो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है।
अभी 9 बज चुके हैं और दिस इज अ फुल मून नाइट और हम बढ़ रहे हैं ले के तरफ। ले अभी भी 40 किलोमीटर अराउंड दूर है और बहुत ही अच्छा रास्ता है, बट रात हो गई है तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट दिस मून, फुल मून, दिस रोड, मतलब चारों तरफ के अंधेरा, इट एड्स टू द वाइब। निमो विलेज में ये था ना, ये निमो विलेज है क्या? फाइनली मिल गए पेट्रोल का, फुल कर दो, फुल। साढ़े आठ बजे और अभी हम जा रहे हैं। बीच बीच में से रास्ता है, बट काफी चौड़े हैं रास्ते, मतलब और फिर आ रहा है फुल मून व्यू, बहुत ही सुंदर दिख रहा है।